अंकल मुझे जाने दो, मुझे आयफा को बताना है कि वही मेरी आई है, मैं उसका मोक्ष हूँ। अभिताभ बोलते हैं ना कि मेरी माँ भगवान है, वैसे ही मेरी आईफाई भी भगवान निकली। ये पुट्टी एक कल्याणी को साथ के लेकर आई है, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस कल्याणी के मोक्ष को आज मरना होगा। वैसे अच्छा ही हुआ, अजय कल्याणी खुद अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखेगी। हेलो हेलो अंकल, तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं ही तुम्हारा मोक्ष हूँ, मैं ही तुम्हारा मोक्ष हूँ आयफा, और तुम ही मेरी आई हो। हाँ, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा बेटा है। तुम्हें क्या लगा कल्याणी, हाँ मैं अपनी से शादी करने के लिए वापस आया हूँ, अपनी के बच्चे को अपना नाम देने के लिए वापस आया हूँ? नहीं कल्याणी, बदले की आग मुझे वापस लेकर आई है। 5 साल तक जेल में मैं सड़ता रहा, मुझे अपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारी बर्बादी में इंटरेस्ट है। तुम्हारी सारी खुशियां छीनने के लिए आया हूं मैं, जिस तरह से 5 साल पहले मैंने मोक्ष को छीना था। मतलब 5 साल पहले मोक्ष की किडनैपिंग तुमने करवाई थी? हाँ, ताकि ने मेरे कहने पे ही मोक्ष को किडनैप किया था। तुमने किया था ये सब? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने खुद के भाई को उनके बच्चे के लिए क्यों तरसाया? क्यों तुमने मुझे अपने बच्चे से 5 साल तक दूर रखा? क्यों इस नन्ही सी जान को 5 साल तक उसके माँ बाप से दूर रखा? आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा है तुमने और दादा ने। 5 साल जेल में गुजारे मैंने, और जानती हो जेल की पथरीले फर्शों पर रातें गुजारने से क्या असर पड़ता है? अरे भावनाएं खत्म हो जाती है सारी, और सच बताऊं मुझे मोक्ष को मारने में ना कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। असली खुशी पता कब मिलेगी? जब तुम्हारा बच्चा मरेगा और जिंदगी भर जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे ना, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। कल्याणी, तुमने सिर्फ मुझसे मेरे 5 साल नहीं छीने, तुमने मेरे दादा को भी मुझसे छीन लिया, मेरे 5 साल मुझसे छीन लिए। दादा बड़ा प्यार करते थे मुझसे, हाँ तुम्हारी संगत में आके दादा मेरे खिलाफ हो गए, मेरी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा तुमने। आइए देखो मेरी बात सुनो, देखो कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े। अरे कौन भेजेगा जेल मुझे? पलाश जी को जब सच पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कौन बताएगा सच? हाँ? अरे जब यहाँ से बचकर जाओगे तब बताओगे ना दादा को, और तुम दोनों को आज मरना होगा। नहीं। और मेरे हाथों से मरना होगा। छोड़ मेरी आशा को, छोड़ो। तड़प
पिल्लू, पिल्लू रुक जा, मैं अंदर छुड़ा दूँ तुझे। पिल्लू तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं आईफाय। पिल्लू, पिल्लू। आईफाय, आईफाय, ये सच है ना? तुम्हें मेरी आई हो ना? ये तो 1000 आइसक्रीम से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ पिल्लू, मैं जानती हूँ कि एक सपने जैसा है, लेकिन ये सपना सच है, हकीकत है। मैं ही तेरी आई हूँ। तुमने आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तक तो सिर्फ मैं मोक्ष को ऊपर वाले के पास पहुंचा रहा था, लेकिन अब पूछ रहा हूँ उसके साथ साथ तुम्हें भी मोक्ष प्राप्ति करा दूँ। खबरदार, जब तक गंदी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी लिया तो। नाम नहीं लेता हूँ, पर जान तो ले सकता हूँ ना। जान तो ले सकता ना तुम लोग की। 5 साल तक मैं जेल में तड़पता रहा। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने। छोड़ दो मेरी आवाज़ को, छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। अरे मेरी आवाज़ को छोड़ दो, प्लीज मेरी आवाज़ को छोड़ दो, छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। गणपति बप्पा बचा लो मेरी आवाज़ को। मत मेरी आईफा को चोट लग जाएगी। नहीं नहीं मत गिरो, मत गिरो प्लीज। अरे यार गाड़ी कैसे चालू हो गई? पिल्लू को अगर पता चला कि अहिर मर चुका है तो पिल्लू कभी इस हादसे को भूल नहीं पाएगा। और कहीं अगर इसे ऐसा लगने लगा कि अहिर की मौत का जिम्मेदार ये है, और जबकि ये सच नहीं है क्योंकि ये तो एक हादसा है। बोलो ना, गंदे वाले अंकल कहाँ गए? गंदे वाले अंकल, वो
भाग गए, हमसे डर के भाग गए। वो हमसे डर के भाग गए, भाग गए हमसे डर के। अभी हमें भी भागना चाहिए, ठीक है? चलो 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 भागते हैं। कल्याणी का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं मुक्कू मिली भी या नहीं। हाँ सर, देखिए ना, कल्याणी का फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं मुक्कू मिली भी या नहीं। कह दो अपने पति को जो इल्जाम लगाना है विवेक पर वो लगा दे, लेकिन हम विवेक पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित करके ही रहेंगे। इसीलिए तो हमने पल्लवी को मुंबई भेजा है बड़े वकील से बात करने के लिए, और अब हम भी देखेंगे कि सार्थक कैसे विवेक को सजा दिलाता है। आओ सर, आप एक माँ की नजर से देख रही हैं, आप एक औरत की नजर से देखने की कोशिश कीजिए आओ सर, फिर आप भी समझ लेंगी कि विवेक भाव ने जो भी किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। उन्होंने एक औरत पर अत्याचार किया है और उसके लिए कोई माफी नहीं है, एक अपराध है। पूर्ण विराम। विवेक कोई अपराध नहीं किया है और हम ये बात साबित करके रहेंगे। अपराधी तो राणी परिवार के लोग हैं, अरे मक्कारी तो उनके खून में भरी है। ये भी हो सकता है अनुप्रिया कि जब मोक्ष मिले तो पता चले कि वो भी छटा हुआ बदमाश बन चुका है। आखिर वो भी तो राणी परिवार का खून ही तो है। सर अंदर मत जाइए सर, प्लीज। क्यों सर? मैं कह रहा हूं ना सर, अंदर मत जाइए प्लीज। पवार ड्यूटी पे हूं, दिमाग खराब है तुम्हारा? हटो सर, मेरी बात समझिए सर। हटो पवार। बॉडी कहाँ है? सर आप जाइए, मैं चेक कर लिया हूँ सर। बॉडी कहाँ है पवार? सर आप सर मैंने चेक कर लिया ना सर। सर मैंने देख लिया सर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा पवार, पीछे हटो।
को नहीं बता सकती कि अहीर के साथ क्या हुआ है। बताओ ना एक बार। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो गंदे वाले अंकल नहीं आएंगे हमारे पीछे। कुछ भी नहीं होगा, तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। पहलू मेरा पहलू है, मेरा मोक्ष है, तो मेरा कुछ है। ये सब क्या हो रहा है? तू मेरे सामने खड़ा है, मेरा बच्चा। कितने दिनों से तेरा इंतजार किया मैंने पिल्लू, कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी, और आज तू जब मुझे मिल गया तब इसी सिचुएशन में। मैं क्या क्या सोचा था मैंने कि जब तू मुझे मिलेगा मैं तेरे लिए ये करूंगी वो करूंगी, तेरे लिए ढेर सारे खिलौने खरीदूंगी, तेरे लिए खाना बनाऊंगी, तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, तेरा कमरा सजाऊंगी। तू मुझे ऐसी सिचुएशन में मिला, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, पति पापा का लाख लाख शुक्र है। तू मुझे वापस मिल गया पिल्लू, तो मुझे मिल गया। तू इतने दिनों से अपनी आई को ढूंढ रहा था ना, और देख मैं तेरी आई और तू ही मेरा मोक्ष है। Can you believe it? ऊपर से गया? मुझे यकीन हो रहा है कि मैं तेरी आई हूँ पिल्लू। मैं तेरी आई हूँ। थोड़ी सी चक्कर दो ना। क्यों? वो मेरी आयफा है ना, उनको चोट आ गई। ओके। दुकान से क्या लेकर आ रहे? अरे जब भी अम्मा मुझे मारती थी ना और मेरी नाक से खून आता था ना, तो मैं शक्कर लगा लेता था तो खून रुक जाता था। अरे आयफा, अब रोक खाए को रही हो? मैं मिल गया हूँ ना, मैं ही तुम्हारा मोक्ष हूँ। मोक्ष दुनिया के लिए, मेरे लिए सिर्फ पिल्लू। पिल्लू पिल्लू। पिल्लू पिल्लू, इतने दिनों से मेरे सामने था, मेरे पास था, एक साथ हम एक ही घर में थे, और मैं तुझे पहचान नहीं पाई। तुझे पता है पिल्लू, तेरा सबसे पहला शब्द क्या था? आई। और जब तू बहुत छोटा था, जब तू बोल भी नहीं पाता था, पता तू तब भी मेरी सारी बातें समझ लेता था। हम दोनों का जो रिश्ता है ना, वो इतना गहरा था। और मैं तुझे पहचान नहीं पाई।
इतने दिनों से मेरी आंखों के सामने था और मैं तुझे पहचान नहीं पा रही थी। ऐसी कैसे मैं अपने मोक्ष को, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाई? क्यों मार रही आप खुद को? गलती तो मेरी है ना, मैं ही लड़की बन के आपके सामने आई थी, तो फिर आप मुझे कैसे पहचान सकती हो कि मैं ही तुम्हारा पिल्लू हूँ? अम्मा ने मुझे बताया था कि अगर मैंने किसी को भी बताया कि मैं लड़का हूँ तो अम्मा मर जाएंगी। अब अम्मा मर जाएंगी क्या? नहीं 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 पिल्लू, देख ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा अम्मा ऐसे कैसे मर जाएंगी? हम अम्मा को कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? तू वो सारी टेंशन बिल्कुल मत ले, और तू मेरी बात सुन। तुम मुक्को नहीं है, तुम मुक्को नहीं, तुम मोक्ष है, मेरा पिल्लू है तू, समझा?